श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। बाल्यकाल में एक दिन एक ब्राह्मण परिवार हमें आमंत्रित कर ले गया। हम बड़े उस दिन उत्साहित थे क्योंकि हमें किसी तांत्रिक से वो मिलाने वाले थे। उनके परिवार में दुविधा ये थी कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और वो तांत्रिक किसी माध्यम से, और हम उसमें मीडियम रहते और वो बता देता कि कब तक उनकी बेटी की शादी होनी है। हम बड़े एक्साइटेड थे, छोटे थे परंतु 4 साल की उम्र से ही तो थोड़ा ज्ञान चक्षु खुल गया था तंत्र के प्रति। तो हम वहाँ पर गए और वो तांत्रिक जो थे उन्होंने हमें बैठाया, उन्होंने अपना पूजा कर्म किया और उसके बाद जल भरकर एक थाली रखा और हमारे सर पर हाथ फेरते रहे और बोले कि बताओ क्या दिख रहा है इस पानी में, बताओ क्या दिख रहा है इस पानी में। हमारा तो मंत्र मन जो है वो उत्पात में लगा हुआ था, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या रखा, वहाँ क्या रखा है, हमें पानी में कुछ नहीं दिख रहा था। पूरी दुनिया दिख रही थी, पानी में कुछ नहीं दिख रहा था। एक वर्ष है कोई संख्या हमें ज्ञात हुआ, वो हमने संख्या बता दी। हमारे साथ जो दूसरे बालक गए थे, जो बटुक गए थे, उनको बड़ा साफ साफ सब कुछ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि ऐसा है, वैसा है, ये ठीक है। तो वो तांत्रिक हम पे बड़ा नाराज हुए थे, उन्होंने बोला इसका ध्यान नहीं रहता, ये पढ़ने में ठीक नहीं होगा, ये शोध अच्छा नहीं कर सकता है। आई गई बात हो गई, लेकिन तब से मैं सोचता था कि ये कौन सा विज्ञान है। बहुत सारे तांत्रिकों से मिला, बहुत सारे अघोरियों से मिला, बहुत सिद्धों से मिला, लेकिन किसी ने, देखिए आप जब गुरु से मिलते हैं तो उनसे विद्या मांगते नहीं है, वो आपको विद्या देते हैं। तो ये विद्या ना किसी ने दिया, ना किसी ने इसका वर्णन किया। कालांतर में घूमते घुमाते कहीं से हमें ये ज्ञात हुआ कि सपेरों के पास एक ऐसी विद्या होती है जिसमें वो आईने से सम्मोहन कर लेते हैं, और जब थोड़ा इसमें अंदर घुसे हम तो हमें जानकारी मिली कि उनके पास आईना, जल, इससे लेकर के बहुत सारी साधनाएं हैं। तो एक परफेक्ट व्यक्ति मिले जिन्होंने इसके बारे में ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि जैन तंत्र में ये विद्या है, और जो राजस्थान, गुजरात, जो जैनी इलाका है उस तरफ इस तरह के तंत्र का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। फिर क्या था, हमारा शोध फिर शुरू हो गया। तो हमें एक विद्या मिला, और ये जो विद्या है इसमें महामेरु, गौरी, महाकाली, इंदे, जया, विजया, है ना, सम्मिनी, अवतार, सब का वर्णन है एक ही मंत्र में। और कहते हैं कि इसी मंत्र को सिद्ध करने से उन लोगों को वो विद्या मिलती है। अब देखिए इसमें एक विषय है, जब हम किसी विद्या को सिद्ध करते हैं तो हम उसके लिए साजो सामान खरीदते हैं, अपन पूजा का सामान खरीदते हैं, लेकिन जो बंजारा है, जो स्नेक चार्मर्स है, ये क्या है कि ये सिर्फ जाप से ही मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं। हाँ, इनका दिशा दशा तय होता है, ज़्यादातर ये मसान में सिद्धियाँ करते हैं। तो ये जो मंत्र मुझे प्राप्त हुआ था, इस मंत्र का वर्णन ये था कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख इसका जाप करना चाहिए। 1.25 लाख जाप करने से इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। दिशा जो है, अगर सुबह जाप करें तो पश्चिम की तरफ, और रात्रि में जाप करें तो दक्षिण की तरफ होगी। जाप कैसे करना है, एक आईना सामने रख करके और उसको देखते हुए जाप करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि आईना के सामने एक दीपक रख देते हैं, ये आप पर है, क्योंकि अगर आईना के सामने दीपक रखकर जाप करें और आप सिद्ध नहीं हैं, आप सिद्ध और कठोर तांत्रिक नहीं हैं, तो आप स्वयं से सम्मोहित हो सकते हैं, मतलब एक सम्मोहन का विद्या चल सकता है आप पर। और उसके बाद क्या होता है कि लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ एक आईना रख करके 1.25 लाख इसका जाप करना है, उससे क्या होता है कि ये आईना जो है वो अभिमंत्रित हो जाता है। फिर जब इसका प्रयोग करना हो तो 8000 बार इस आईना को देखते हुए पुनः जाप करना चाहिए। फिर इस आईने को किसी सफ़ेद कपड़े पर रखिए,
और किसी छोटी बच्ची को जो 8-9 साल के उम्र में हो या उससे कम हो, 4 से 8 साल के बीच में, उनको नए सफेद वस्त्र दान कीजिए। वो वस्त्र वो पहने और उसके बाद उनको बोलिए कि वो उस आईने में देखें। उस आईने में देख करके वो जब आपके सवालों का जवाब देंगे जो उनको दिखेगा, तो आपको जो है भविष्य की घटनाओं का पता चलेगा। ये सबसे परफेक्ट तरीका है भविष्य जानने का या भविष्य को प्रेडिक्ट करने का। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो आईना आप लेंगे, चाहे तो जो केरला में मेटल का आईना बनता है वो पूर्ण रूपेण यूज होगा, या फिर वो आईना यूज होगा जिसमें प्लास्टिक मेटल ना हो, मतलब लकड़ी का आप चाहे तो उस पर एक फ्रेम डलवा लें या फिर उसको बिना फ्रेम का प्रयोग करें। ठीक है, 3 बार इसका मंत्र बोलूंगा, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, मंत्र है ओम नमो मेरु महामेरु, ओम नमो गौरी महागौरी, ओम नमो काली महाकाली, ओम इंदे महा इंदे, ओम जय महाजय, ओम नमो विजय महाविजय, ओम नमो पन्न समनी महापन्न समनी, अवतर अवतर देवी अवतर अवतर स्वाहा। पहली बार में क्या करेंगे, दक्षिण दिशा रात्रि में जो करेंगे तांत्रिक फूट, तो दक्षिण में ही बैठ के करेंगे। दक्षिण की तरफ बैठ जाना है, आईने को सामने रखकर, और इस मंत्र का 1 लाख जाप करके इस आईने को सिद्ध कर लेना है। फिर इसको एक कपड़े में लपेट के रख लेंगे, सफेद कपड़े में। जब इसका प्रयोग करना हो तो फिर निकाल के 8,000 जाप करेंगे और बालिका को बैठा करके सवाल का जवाब लेंगे। ओम नमो मेरु महामेरु, ओम नमो गौरी महागौरी, ओम नमो काली महाकाली, ओम इंदे महा इंदे, ओम जय महाजय, ओम नमो विजय महाविजय, ओम नमो पन्न समनी महापन्न समनी, अवतर अवतर देवी अवतर अवतर स्वाहा। ओम नमो महामेरु, ओम नमो गौरी महागौरी, ओम नमो काली महाकाली, ओम इंदे महा इंदे, ओम जय महाजय, ओम नमो विजय महाविजय, ओम नमो पन्न जमनी महापन्न जमनी, अवतर अवतर देवी अवतर अवतर स्वाहा। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये सिद्ध कर ले, बड़ा सिंपल तरीका है, क्योंकि ये तरीका मोस्टली खाना बदोश जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी सामग्री लगती नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग सिद्ध करें, तांत्रिकों के लिए ज़्यादा लाभकारी है। स्वयं अपना भविष्य कभी जानना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को के भविष्य को जान लेते हैं तो फिर उसको आप काट करने की कोशिश करते हैं, और जब आप अपने भविष्य में कुछ अच्छा जान लेते हैं तो आप सोचते हैं अरे ऐसा कैसे होगा, आपके 4 नेगेटिव थॉट्स उसके साथ आते हैं, तो उस स्थिति में जो अच्छा भी होने वाला था भविष्य में वो कट जाता है। दूसरी बात, जो तांत्रिक हो वो अगर किसी का बुरा देखें, ठीक है, तो बुरा जो भी किसी के भविष्य में घटना होना है उसका उद्घोष नहीं करना चाहिए, मतलब उनको नहीं बताना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस साधना को करें और लोगों का भविष्य जानें और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें हम साधना का शुरुआती विधान जैसे आसन बंधन दिशा बंधन यंत्र बनाना मंत्र बोलना हवन करना और भैरव जी का जो मूलभूत सिद्धांत है जो साधना है वो आपको सिखाते हैं। आगामी कार्यक्रम को जानना है तो aghortantrahasya.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी जानकारियां और मेरे आगामी कार्यक्रम आपको पता चलेंगे। मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान महादेव आप सभी की कामना पूर्ति करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश, आदेश।